एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीण क्लासेस। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन में लिखा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, द लार्जर नंबर फाइंड द टू नंबर्स। मतलब इसमें हमें दो नंबर पूछे हैं, अब इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन है? डिफरेंस, जहाँ पे भी डिफरेंस होता है तो वहाँ पे हम माइनस लेते हैं, जहाँ पे भी सम होता है टोटल होता है वहाँ पे हम ऐड लेते हैं, राइट। उसके बाद क्या लिखा था, स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का स्क्वायर करने पे और उस दोनों को नंबर को माइनस करने पे 180 उसका आंसर आएगा। एंड स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो छोटे नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर है किसका, छोटे नंबर का, स्मॉलर नंबर का, वो 8 टाइम्स है किससे, लार्जर नंबर से, राइट। उसके बाद हमें उसकी क्या निकालनी है, दोनों नंबर्स निकालने हैं, फाइंड द टू नंबर्स निकालने हैं। तो हमें तो पता ही नहीं कि लार्जर नंबर कौन सा है, स्मॉलर कितना है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे सबसे पहले लार्जर नंबर को, क्योंकि लार्जर नंबर पे ही सारी कैलकुलेशन डिपेंड कर रही है। तो लिखेंगे सॉल्व सॉल्यूशन में लेट द लार्जर नंबर, एक्स मान लेंगे इसे, सेम एज स्मॉलर नंबर को भी ले लेंगे, इक्वल टू वाई। अगर लार्जर नंबर एक्स है और स्मॉलर नंबर वाई है, उसके बाद क्या बोला है, डिफरेंस करेंगे इन दोनों के स्क्वायर का, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका डिफरेंस करेंगे तो 180 आएगा। तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, छोटे लार्जर नंबर का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 180, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ही इक्वेशन बन गई है। उसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं, उसके बाद क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, किस नंबर का, स्मॉलर का, ये स्मॉलर नंबर है, इसका स्क्वायर कितना है, इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर, लार्जर नंबर से 8 गुना ज़्यादा है। तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, दूसरे सिचुएशन बना लेंगे, यहाँ पे किससे बोला है कि स्मॉलर नंबर से, तो स्मॉलर नंबर वाई है तो वाई का स्क्वायर करेंगे, किससे 8 टाइम ज़्यादा है, लार्जर नंबर से, तो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई एक्स से कर देंगे, तो ये हमारे हो जाएगा किससे, वाई की वैल्यू, मतलब कि स्मॉलर नंबर की वैल्यू हो गई 8 गुने से। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं इस एक्स की वाई की वैल्यू को इस यहाँ पे वाई की जगह रख सकूँ तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पुट इन इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर सेम ऐसी रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 8x इक्वल टू 180। 180 को भी मैं इस साइड ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 18x माइनस में 180, प्लस में था इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ से हम डी की वैल्यू निकालेंगे और इसको हम सॉल्व करने के लिए हम कोई भी मेथड से यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो फैक्टराइजेशन है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, किसी से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रही हूँ ताकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू निकालनी है। डी के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ए की वैल्यू जो कि 1 है, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू -180। अब यहाँ पे डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू -8, 4, 1, माइनस में 180, 8 8 जो 64, माइनस माइनस प्लस, और 4 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 720। मैंने 4 को 180 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा 18 से और फिर लास्ट में 0 लगा दिए। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 784, 4 और ये 287। तो ये हमारे आगे डी की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, अगर 0 से ज़्यादा आती तो इसके रूट्स निकल सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। -b की वैल्यू क्या है, -8, -8 और एक फॉर्मूले में -8, तो +8 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी, रूट डी की वैल्यू है 784 अपॉन में 2a की वैल्यू 1।
माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस माइनस, 784 का अंडर रूट निकालना है हमें। तो इसको कैसे निकालेंगे, मैं बड़े वाले मेथड से कर रही हूँ, 784। तो यहाँ पे हम इसके पेयर बना लेंगे, यहाँ पे इसका ये सिंगल है तो यहाँ पे 2 से कर सकते हैं, क्योंकि अगर 3 से करते तो 9 आता है, तो 9 तो हमें बड़ा हो जाएगा नंबर। तो यहाँ पे लेंगे 2 2 जा 4, यहाँ पे माइनस करेंगे अगर 3, ये 2 यहाँ पे 4। अब यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा नंबर लेंगे जो कि 84 के बराबर आ जाए, अगर दोनों नंबर लेते हैं तो पेयर में उतरता है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लें, अगर हम 7 6 लेते हैं तो इसकी वैल्यू से कम आएगी, तो मैं यहाँ पे अगर 8 लूँ तो 8 8 जा 64 का 4 6, और 4 8 4 जा 32, 32 में 6 ऐड करेंगे 38 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू क्या आ गई, 28। तो इसका अंडर रूट 28 आ जाएगा। अपॉन में 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओनली 2 आएगा। अब ये 8 28 के साथ एक बार प्लस भी होगा और एक बार माइनस भी होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 बार 8 प्लस 28 अपॉन में 2, 8 माइनस 28 अपॉन में 2। माइनस करेंगे तो ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 8 6 3 36 बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 10 अपॉन में 2, सॉरी 20। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 और 6 8 18, यहाँ पे लिख देती हूँ 18 और 2 10 माइनस 10। तो यहाँ पे क्या है नंबर हमारा, एक बार 18 आ रहा है, एक बार -10 आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा, अगर हमारा नंबर यहाँ पे हम 18 लेते हैं तो वैल्यू कौन सी आएगी, अब हमारे पास आई है एक्स की वैल्यू 18 और -10, तो -10 तो हो जाएगा कैंसिल क्योंकि नेगेटिव है, तो हम लेंगे 18 को, एक्स की वैल्यू लेंगे हम 18 को। अब इसको हमें स्मॉलर में और लार्जर में कैसे नंबर निकाले, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें पता लग जाएगा कि इसमें स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, फिर हमारी लार्जर वैल्यू तो ये है, लार्जर हमने एक्स मानी थी तो हमें निकालनी कौन सी, वाई वाली वैल्यू निकालनी। तो वाई कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में पुट करके। तो यहाँ पर मैं पुट करती हूँ, एक्स इक्वल टू 18 पुट इन इक्वेशन 2, इसमें पुट करेंगे। अब इक्वेशन क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64, 4 और 6 8 1 जा 8 6 4 14। तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटाने के लिए इस पर अंडर रूट आ जाएगा, तो वाई इक्वल टू 144। अब वाई की वैल्यू 144 की प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो 144 का होता है 12। ये आपको ऐसे तो ऐसे याद हो जाएगा अगर आप 1 से 20 तक भी स्क्वायर रूट निकालना अगर सीख जाएंगे तो। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, नहीं तो आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 144 का, 144 का होगा 2 7 2 2 3 12 6 2 1, और ये 18 2 9 3 3 3 1। तो इसके पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो ये कितना होंगे, 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो हमारा 12 इसका आंसर आ गया। तो हमारे पे पहला नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर क्या है, सॉरी लार्जर नंबर 18 है और स्मॉलर नंबर क्या है, 12। तो ये हमारा इसका आंसर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11।